गुड मॉर्निंग गाइस, इट इज़ द डे सिक्स ऑफ आर 21 डेज वेट लॉस चैलेंज. और अभी मैं ले रही हूँ मेरी मॉर्निंग ड्रिंक जो कि है एप्पल साइडर विनेगर विद वाटर. आज मैंने सोचा कि एप्पल साइडर विनेगर अगेन मैं लूँ, और जिनको सूट नहीं करता है दे कैन हैव लेमन वाटर या फिर फैट कटर ड्रिंक जो मेरी है जीरा वाटर, आप वो ले सकते हैं. एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 8, इट्स 8 AM, और इसके बाद मैं अब ब्रेकफास्ट बनाऊँगी जल्दी जल्दी अपना, एंड आई विल हैव इट 9 बजे तक होपफुली. तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ ब्रेकफास्ट के टाइम पर. आई एम थिंकिंग आज एग्स खाएं. सो गाइज, ये है मेरा ब्रेकफास्ट, ये है स्क्रैम्बल्ड एग्स बस बन रहे हैं, और साथ में यहाँ मेरी चाय बन रही है. इसमें मैंने अनियन डाला है एंड साथ में ब्लैक पेपर और नमक, इसके अलावा और कुछ भी नहीं डाला है, दैट्स इट. अनियन ज़रूर मैं डालती हूँ, जो मैंने बहुत लोगों को डालते हुए नहीं देखा है, लेकिन आई एड अनियन ऑल्सो. सो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, 2 ब्रेड्स हैं, ये हैं होल व्हीट ब्रेड विथ स्क्रैम्बल्ड एग्स, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू हैव. इट्स 11 AM, अभी टाइम हो रहा है मेरे मिड मॉर्निंग स्नैक का. मिड मॉर्निंग स्नैक में आज मैं मेरा फेवरेट फ्रूट ले रही हूँ जो कि है फूयू, जिसको मैं सिर्फ आराम से प्यार से बैठ कर ही खाना पसंद करती हूँ. मुझे डिस्टर्बेंस नहीं पसंद व्हेन आई एम हैविंग दिस फ्रूट स्पेशली, बिकॉज दिस इज़ लाइक लिटरली माई फेवरेट फ्रूट ऑफ ऑल टाइम. तो अभी मैं ये इन्जॉय करूँगी. एंड येस, मुझे काफ़ी लोगों ने, आप लोगों ने कमेंट्स में बताया, इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से बोलते हैं, आई कॉल इट फूयू. सबको ही ये बहुत पसंद है. कुछ लोगों ने बोला कि उनके घर में सभी लोगों को बहुत पसंद है ये फ्रूट. मेरा भी बहुत बहुत फेवरेट है ये फ्रूट. खैर, आई एम गोइंग टू इन्जॉय दिस नाउ. एंड मैं अब आपसे लंच के टाइम में मिलती हूँ. लंच में मैंने बहुत ही स्पेशल चीज़ बनाई है, ऑलरेडी बन गई है, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी, शेयर करूँगी आपके साथ थोड़ी देर में. बाय. खुल जा सिम सिम. हाँ, खुल गया सिम सिम. तो ये बनाया है मैंने ज्वार का दलिया, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप चाहें तो देख सकते हैं. आप या तो ये ज्वार का दलिया ले सकते हैं, या इधर यू कैन हैव होल व्हीट का दलिया, या फिर जौ का दलिया भी बहुत अच्छा होता है. ओए, इस पे भी गिर गया. दिस इज माई लंच टूडे, ज्वार का दलिया विथ दही, और इसमें मैं डाल रही हूँ ऊपर से रोस्टेड क्यूमिन पाउडर. एंड अभी टाइम हो रहा है 1 PM, सो दिस इज़ व्हाट आई एम हैविंग. यम्मी. इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इस ज्वार का दलिया रेसिपी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं जाकर. वेरी हेल्दी एंड एक्सट्रीमली टेस्टी, इट विल टेस्ट लिटरली लाइक राइस. राइस का बहुत ही अच्छा सब्सटीट्यूट है, एंड विंटर्स में खाना इसको स्पेशली बहुत अच्छा होता है. वेरी वेरी टेस्टी, मेरा तो बहुत ही फेवरेट है ये. सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू हैव. यम्मी. सो गाइज, अब है टाइम मेरे इवनिंग टी का या इवनिंग स्नैक का. इट इज़ 4:30 PM. 5 बजे तक का वेट नहीं हुआ मुझसे, और मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगनी चालू हो गई है. सो आई एम गोइंग टू मेक अ ग्रीन टी फॉर माई सेल्फ. सो येस, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ ग्रीन टी फॉर माई सेल्फ. उसके साथ लेने वाली हूँ ड्राई फ्रूट्स, जो मैं आपको अभी 1 मिनट में दिखाती हूँ. और मैंने ये पहना हुआ है बिकॉज वी आर गोइंग आउट, थोड़ा कॉस्को जाके शॉपिंग करनी, और कॉस्को पे भी आई एम थिंकिंग टू फिल्म अ लिटिल बिट. तो देखते हैं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर फिल्म करूँगी थोड़े बहुत इधर उधर के पार्ट्स. आए मेरा हीरो. सो ये रही मेरी ग्रीन टी, एंड साथ में ये रहे मेरे ड्राई फ्रूट्स जो मैं अभी लेने वाली हूँ. पहले मैं रख देती हूँ इसे कहीं. हाँ जी, तो ये रहे मेरे ड्राई फ्रूट्स. ड्राई फ्रूट्स में है आलमंड्स, साथ में रेजिन्स एंड रोस्टेड चना भी है. सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू हैव एज माय इवनिंग स्नैक, ऑल टाइम फेवरेट. तो मैं अब आपको अपना बेस्ट स्नैक ऑप्शन बताने जा रही हूँ. तो अगर आपको कभी भी मीठे की क्रेविंग हो, 2 लेना आप रोस्टेड चने, 1 लेना आप आलमंड, ठीक है, नॉर्मल प्लेन ऐसे ही भीगा हुए की ज़रूरत नहीं है, साथ में 2 रेजिन लेना, या आप 3 भी ले सकते हो, 3, ठीक है, रेशो यही रखना है, याद रखना, ठीक है. और इसको दिस इज लिटरली द बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर. ट्राई करना, कमेंट सेक्शन में बताना
अगर ट्राई किया तो कैसा लगा आपको? बाकी गुड़ तो है ही, जिन लोगों को मीठे की क्रेविंग होती है गुड़ ले सकते हैं लंच के बाद 2 टीस्पून। It's very cold. As cold as, I don't know. As ice. It's as cold as ice. Miss Anisha. Miss Anisha. Hi, hi. Be so excited कि हम बाहर जा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ही excited है. Hi. सो गाइज़, अब हम लोग पहुंचने वाले हैं जस्ट कॉस्को. एंड मेरे को एक क्वेश्चन या कह लो क्वेरी थी, या फिर आप लोगों को लग रहा था कि हम अनायशा को मास्क क्यों नहीं पहनाते हैं. सो गाइज़, अंडर 2 ईयर्स के जो भी बच्चे होते हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स, उनको मास्क नहीं पहनाना है. एंड दैट इज़ वाई हम लोग मास्क नहीं पहनाते हैं, क्योंकि उनको सफोकेटिंग का चांस होता है, बिकॉज दे के नॉट रिमूव द मास्क व्हेन दे वांट टू. सो दैट इज़ वाई बच्चों को मास्क नहीं पहनाना चाहिए, एंड दैट इज़ वाई हम उसको मास्क नहीं पहनाते हैं और खुद ही पहनते हैं. ठीक है, खैर अब हम लोग बस पहुँच गए हैं कॉस्को के सामने हैं. अंदर ले चलती हूँ आपको और कुछ थोड़ा थोड़ा बताती हूँ. आई डोंट नो आवाज़ आ भी रही है सही से या नहीं, क्योंकि मैंने मास्क लगाया हुआ है. सो मैंने ये भी लिया है, दिस इज़ अ सेट ऑफ 2 टम्बलर है, कलर चेंजिंग, सो कूल. कल मॉर्निंग ड्रिंक इसी में पीऊँगी. आई गेट रियली एक्साइटेड ऐसी चीज़ों के देख कर. कम आना. सो दिस इज़ 1 type of bread जो मैं यूजुअली लेती हूँ, एंड देयर इज 1 more type of bread जो मैं लेती हूँ. आई थिंक दिस इज़ द 1, लेट मी सी. यस, तो इसमें ये वाली ब्रेड में कार्ब्स जो हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, दैट्स वाई दिस इज़ ऑल्सो गुड, टेस्ट में भी अच्छी है. एंड अदर वन इज़ दिस, ये वाली होल वीट है एंड इट्स अ ब्राउन ब्रेड. ये हम लोग बहुत टाइम से लेते आ रहे हैं, थोड़ा ये एक्सपेंसिव ऑप्शन है कंपैरेटिवली, लेकिन दिस आल्सो टेस्ट रियली गुड. तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस जो मैं लेती हूँ. अभी आज कौन सी लें इन दोनों में से? सो दिस इज़ द वन आई एम बाइंग. चलो आना. पता है लास्ट टाइम हम लोग ये वाले चिप्स हैं, ये वेजिटेबल क्रिस्प, ये लेकर गए थे. मैंने ये पूरे लिटरली, मैंने क्या अकेले, मी एंड हर्ष बोथ, हम दोनों ने पूरे फिनिश कर दिए वो, ये सोच के कि दीज आर हेल्दी. उनमें एक तो ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, तो इससे बेटर है आप अनहेल्दी वाले ले लो, कम खाओगे ये सोच कर कि अनहेल्दी हैं. लेकिन अगर आप हेल्दी वाले ले लेते हो तो उसको आप पूरा फिनिश कर देते हो, तो जो कि और ज़्यादा बेकार हो जाता है फील. काका टोमेटोज ये अकेले ही सारी कार्ड चला रही है. ओह गॉड, शॉपिंग हमारी हो गई है डन, एंड अब हम जा रहे हैं घर. आज बहुत ठंड है, 5 degrees है, जो कि आई थिंक दिल्ली में भी सेम टेम्परेचर है. नाउ इट इज़ द टाइम टू हैव डिनर, और डिनर में मैं ले रही हूँ ये है दलिया. कुछ नया नहीं है, आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं दिन में, सेम थिंग ले रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज आज एक तो हम बाहर गए थे तो कुछ मेरा बनाने का मन भी नहीं है, एंड मोर ओवर मुझे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है. सो आई थॉट कि मुझे यही खाना है तो मैं यही खाऊंगी. एंड आप भी ये कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं कि हम लंच में उतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती, डिनर में बहुत भूख लगती है, तो क्या हम रोटी वगैरह सेम चीज़ जो लंच में मैं बताती हूँ वो डिनर में ले सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, बाकी तो आप कुछ भी खा सकते हैं, हेल्दी है जब तक कोई दिक्कत नहीं है. जैसे अभी आप देख सकते हैं यही मैंने लंच में खाया था, सेम थिंग मैं ले रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा पोर्शन कम है लंच से. तो बस ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है. एंड या अब मैं आपसे कल मिलूंगी एक नए मील प्लान के साथ, और आपके क्वेश्चंस का आंसर दे देती हूँ. चलिए गाइस, नाउ इट इज द टाइम टू आंसर योर क्वेश्चंस. सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रॉम केतकी टेलर, शी इज आस्किंग प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ डिड योर आर्म्स गेट टोन्ड, और वर यू डूइंग एनी आर्म्स वर्कआउट, प्लीज आंसर. हाँ जी, तो इस पर वीडियो तो नहीं, मैं आपको यहीं बता देती हूँ शॉर्ट में कि मैंने कोई आर्म्स के लिए स्पेसिफिक वर्कआउट नहीं किए हैं. ठीक है, सिर्फ मैंने अपनी अच्छी डाइट फॉलो करी है, जो स्ट्रिक्ट डाइट है,
जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, मैंने वो डाइट फॉलो करी स्टार्टिंग ऑफ द वेट लॉस जर्नी में मेरे, एंड देन धीरे धीरे मुझे लगा जब आई वॉज कम्फर्टेबल इनफ तो मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट करी. स्टार्टिंग में मैं सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग करती थी एंड दैट इज इट. तो कहने का मतलब ये है कि आर्म्स आपके अपने आप टोन हो जाएंगे, प्रॉपर एक डाइट फॉलो करो एंड स्टार्ट विथ ब्रिस्क वॉकिंग. उसके बाद धीरे धीरे कर कर आप वर्कआउट अगर कम्फर्टेबल हो तो वर्कआउट करो, और अपने आप धीरे धीरे हर जगह का फैट जाता है, धीरे कर कर योर आर्म्स विल गेट टोन, यू विल गेट देयर. लेकिन हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हो, वेट लिफ्टिंग. वो मैंने बहुत पहले नहीं ही स्टार्ट की थी, वो मैंने अभी बहुत कम ही टाइम हुआ है मुझे करते हुए, लेकिन हाँ मैंने वो भी स्टार्ट कर दी है करना. तो अगर आप चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. अगर आप बहुत लंबे टाइम से बाकी चीज़ें कर रहे हैं, वर्कआउट्स एंड ऑल, एंड आपका वेट एकदम लूज हो गया है और अब आपको टोनिंग करनी है, तो आप वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. It's from Pinky Shatri. She's asking, Hi Dee, this is necessary to use olive oil. Kindly tell me which oil we have to use in weight loss journey. Haan ji. तो देखो, नहीं, ज़रूरी नहीं है दैट यू यूज़ ऑलिव ऑयल. इनफैक्ट आपको वो ऑयल यूज़ करना चाहिए जो आपके एरिया में बहुत ईजीली अवेलेबल होता है, बिकॉज दैट इज़ द वन जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से सूट करेगा. और ऑलिव ऑयल या फिर ऑयल्स अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कोल्ड एक्सट्रैक्टेड ऑयल्स आपको लेने हैं. और अदरवाइज अगर आपको जहाँ आप रहते हैं वहाँ नहीं मिलते हैं कोल्ड एक्सट्रैक्टेड ऑयल्स, देन आपको लेना है देसी घी. ठीक है, हर खाने में आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं, उसकी बस मात्रा थोड़ी कम रखनी है, एंड दैट विल बी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. ठीक है, और बाकी कोकोनट ऑयल वगैरह भी ऑयल्स होते हैं, लेकिन पर्सनली आई हैव नेवर ट्राइड इट इन कुकिंग, तो मैं नहीं सजेस्ट कर सकती हूँ. लेकिन येस, आई यूज ऑलिव ऑयल या फिर देसी घी, और मैं ऑलिव ऑयल में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कोल्ड प्रेस्ड वाला यूज करती हूँ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक सेकेंड, क्या यार फोन लॉक हो गया मेरा. लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम श्रेयारी 9A. शी इज आस्किंग, मैम कीटो डाइट करने के बाद वेट गेन होता है क्या, फ्रॉम कर्नाटका इंडिया. ओके, तो देखो, कीटो डाइट मैंने खुद ने पर्सनली की हुई है, पहले की थी, काफ़ी पहले, आई थिंक 3 साल पहले कुछ आई ट्राइड दैट. ठीक है, और मेरा वेट भी अच्छा खासा लूज हो गया था विद द हेल्प ऑफ इट. लेकिन उसको जैसे मैंने छोड़ा, ठीक है, मैंने आई थिंक 2 मंथ्स की थी, आई एंड माय हस्बैंड बोथ डिड इट, 2 महीने तक हमने की एंड वी गॉट प्रिटी गुड रिजल्ट्स बोथ ऑफ अस. लेकिन जैसे हम लोगों ने छोड़ा, वैसे हमारा सारा वेट धीरे धीरे कर वापस आ गया. सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कीटो करते हैं तो फिर डेफिनेटली चांस है कि योर वेट विल कम बैक, बिकॉज दैट इज़ नॉट समथिंग जो आप लाइफ टाइम कर सकें. ठीक है, वहीं दूसरी चीज़ है, आप ऐसी हेल्दी डाइट्स अगर फॉलो करेंगे, मतलब अपनी लाइफस्टाइल का अगर पार्ट बना लेंगे, एक डाइट भी पर्टिकुलर फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अगर उसको अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना देंगे हेल्दी ईटिंग को, तो दैट वेट जो आप लूज करेंगे थ्रू हेल्दी ईटिंग वो कभी भी वापस नहीं आएगा, बिकॉज आप नॉर्मली घर का खाना ही खा रहे हैं. तो इसको बस एक शॉर्ट टर्म चीज़ मत मानकर चलो कि यार मेरा एक बार इतना गोल अचीव हो गया, देन आई विल स्टार्ट ईटिंग लाइक एनीथिंग. सो अपनी थोड़ी मेंटालिटी को इस चीज़ का करो कि आई विल मेक दिस एज अ लाइफ स्टाइल एंड दैट विल सेट योर लाइफ लिटरली, और आपको अपने आप अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एंड दैट वेट विल नेवर कम बैक. These were the answers to your questions. I hope आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो. अगर रही हो, मेक श्योर यू गिव इट अ बिग थम्स अप, अच्छी लगी हो तो, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है. नीचे रेड सब्सक्राइब बटन, उसके बगल में जो बेल बटन है टिंग टिंग, मेक श्योर यू क्लिक ऑन दैट ऑल्सो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले अबाउट माई फ्यूचर वीडियोज. एंड येस, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं आप जो भी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, वो मैं आंसर करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में. ये काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर करूँ, जो जो मुझे लगते हैं काफी लोगों ने पूछे होते हैं, तो ऐसे सिमिलर क्वेश्चन मैं ढूंढ कर थोड़ा आंसर कर देती हूँ. तो यही है बस. आप नीचे कमेंट सेक्शन में हर वीडियो के लिख सकते हैं, और जब मुझे लगेगा कि येस दिस हैज़ बीन आज मल्टीपल टाइम्स, या फिर काफ़ी लोग जानना चाहते हैं इस बारे में, देन डेफिनेटली आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस फॉर यू ऑल. और अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर गाइस, बाय.